सो वेलकम टू योर फेवरेट स्पोकन इंग्लिश चैनल विज स्पोकन इंग्लिश। इसमें मैं आज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मतलब प्रोनाउन जितने टाइप्स के होते हैं इसमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब डिस्कशन होगी। तो इस वीडियो को कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना है, फ्री माइंड में एकदम फ्री होकर। इसके एग्जाम्पल्स भी मैं बताने वाला हूँ तो बहुत अच्छे से आप समझने वाले हो इसके सारे टाइप्स, उसके यूजेस, एग्जाम्पल्स, किस तरह से यूज होगा सब कुछ। सबसे पहला जो मैंने लिखा है वो सब्जेक्ट। जब प्रोनाउन स्टार्टिंग में आता है, किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए या फिर उस प्रोनाउन के बारे में बात की जाए तो वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाता है और वो आई हो सकता है। इसकी ऑब्जेक्टिव और आई स्टार्टिंग में आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आई को आप स्टार्टिंग में देखते हो। ये हमेशा याद रखना है कि आई ऑलवेज स्टेज इन कैप लेटर, कैपिटल होता है आई। कभी भी आई स्मॉल लेटर में आप नहीं लिख सकते। अगर आप आई मीन्स मैं बोलना चाहते हो तो आप कभी भी स्मॉल लेटर का यूज नहीं कर सकते। आई का यूज़ आप तब करते हो जब आप सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हो इसे, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पे मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूँ और मैं सब्जेक्ट हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं स्टार्टिंग में आया हूँ। इसकी जो ऑब्जेक्टिव होती है उसे बोलते हैं मी। मी जब आई सेंटेंस के लास्ट में आ जाए, जब आई को लास्ट में यूज़ करना हो तो हमें उसे चेंज करना पड़ता है। जिस तरह से आप स्कूल जाते हो तो स्कूल जाते टाइम स्कूल की पर्टिकुलर ड्रेस होती है, यूनिफॉर्म होता है, वो यूनिफॉर्म पहन के ही आप एक स्टूडेंट लगते हो, लेकिन घर आने के बाद वो यूनिफॉर्म आप चेंज कर लेते हो। ठीक इसी तरह से जब आई सब्जेक्ट के रूप में एक्ट कर रहा होता है तो वो आई होता है, बट एज सून एज इट गेट चेंज इंटू ऑब्जेक्ट इट ऑल्सो गेट चेंज इंटू मी। देखो, You can call I a student. मैं खुद के लिए यहाँ बता रहा हूँ कि मैं मुझे जो है ना तुम एक स्टूडेंट बोल सकते हो। मुझे यहाँ पे मुझे का इंग्लिश होना चाहिए था I, लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मी, क्योंकि I को हम यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट के रूप में रखे हुए हैं। ओके, सो इट वॉज मी। जब ये पॉजेसिव में कन्वर्ट, जब आई का यूज हम पोजेशन के लिए करते हैं तो आई कन्वर्ट हो जाता है माई में। माई मतलब पॉजेशन, पॉजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो कि पॉजेशन दिखाते हो, किसी चीज पे अधिकार दिखाते हो। तो माई, माई फोन इज डेड, मेरा जो फोन है ना वो डेड है, इसकी बैटरी लो हो गई है, तो मैं यहाँ पे आई फोन बोल सकता था क्योंकि फोन मेरा है। लेकिन आई जब भी पॉजेसिव के लिए यूज किया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है माई में। तो यहाँ पे मैंने लिखा है माई फोन इज डेड। तो अब तक हमने सीखा कि सब्जेक्ट अगर आई में लिखता हूँ तो उसका ऑब्जेक्ट होगा मी, यही आई कन्वर्ट हो जाएगा माई में अगर पॉजेसिव में चेंज हो गया, यही आई माइन हो जाएगा अगर पॉजेसिव के ऑब्जेक्टिव में चेंज हुआ, और अगर ये रिफ्लेक्सिव हो, ये खुद के बारे में बात करें तो ये माई सेल्फ हो जाएगा। इसकी एग्जांपल्स आप देखोगे, सब्जेक्ट आई जो भी स्टार्टिंग में आए तो आई, और ये ऑब्जेक्ट में यूज हो जाए तो यू कैन कॉल मी ए स्टूडेंट, ना कि यू कैन कॉल आई ए स्टूडेंट। जब ये पॉजेसिव में यूज हो रहा हो तो माई फोन, किसका फोन है, मेरा है, तो आई फोन नहीं, ये आई कन्वर्ट हो गया माई में। अगर यही पॉजेसिवनेस ऑब्जेक्ट में आ जाए, जैसे फोन मेरा है मैं दूसरी तरफ से बोलना चाहता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ द फोन इज माइन, द डेड फोन इज माइन, तो यही आई जो है माई यहाँ पे अब माइन में कन्वर्ट हो गया। अगर ये रिफ्लेक्सिव हो जाए, रिफ्लेक्सिव मतलब खुद के बारे में अगर ये बात करना स्टार्ट कर दे तो वो माई सेल्फ हो जाता है, आई हर्ट myself, मैंने खुद को चोट पहुंचा लिया। अब बात करते हैं दूसरे, अब नेक्स्ट यू। यू मीन्स तुम, जब सब्जेक्ट के रूप में आए यू तो वो होता है यू, यू आर अ बॉय। अगर यू ऑब्जेक्ट में आए तो भी ये यू ही रहता है, इट इज यू हु इज डांसिंग। अगर ये पॉजिटिव में आए तो ये योर, योर वॉइस इज वेरी सॉफ्ट। और अगर ये ऑब्जेक्टिव पोजेसिव में आए तो ये योर्स होता है, दिस पेन इज योर्स। और अगर रिफ्लेक्सिव में इसका यूज हो तो योरसेल्फ, यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ आंट यू, तो ये हुआ योरसेल्फ। ये यू तो था सिर्फ तुम के लिए, अब तुम लोग के लिए भी यू होता है, शायद आप जानते होगे, इसलिए तो यू, योर, तो हमने यहां यूज किया सब्जेक्ट में यू, ऑब्जेक्ट में भी यू, अगर पॉजेसिव में आए तो योर,
पॉजेसिव मतलब किसी के पास कुछ हो, आपके पास अगर कुछ है तो इट इज योर बॉल, अगर ये ऑब्जेक्ट में आए तो योर्स, द बॉल इज योर्स, तो ये हुआ योर्स। अब अगर रिफ्लेक्सिव में आए, आप खुद के बारे में बात करो, यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ, यू आर डूइंग द वर्क वाई योर सेल्फ, तो वहां पे सेल्फ यूज हो जाता है। तो ये यू था तुम के लिए, और एक होता है यू जो होता है तुम लोग के लिए, दोनों की वर्ड मीनिंग सेम ही होती है लेकिन इसकी मीनिंग अलग हो जाती है। यू मीन्स तुम और यू मीन्स तुम लोग, इसका ऑब्जेक्ट भी सेम होता है यू ही, और इसकी पॉजिटिवनेस भी योर ही होती है, बिल्कुल सेम। अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव की जो कि पॉजिशन में हो तो भी सेम योर्स ही होता है। जैसे आप लोगों का कलम टूटा है, योर पेन्स आर ब्रोकन, द पेन्स आर ब्रोकन, दे आर योर्स, तो ये तो आप लोगों की कलम है जो टूटी है। अगर इस एक लौता चेंज आता है रिफ्लेक्सिव में, यहाँ पे सेल्फ नहीं सेल्व्स हो जाता है, सिर्फ एक लौता चेंज होता है इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल दूंगा दे का, जिसका मतलब होता है वे लोग। तो अगर दे स्टार्टिंग में आए तो दे होता है, इसका हिंदी होता है वे लोग। वे लोग अच्छे हैं, दे आर नाइस पीपल, और अगर ये ऑब्जेक्ट में आए तो वो देम में कन्वर्ट हो जाता है, इट बिलोंग्स टू देम, इट बिलोंग्स टू दे नहीं, इट बिलोंग्स टू देम। अगर ये पॉजेसिव में आए तो देयर, देयर टॉयज आर ब्रोकन, देयर टॉयज आर ब्रोकन। देयर दो टाइप का होता है, टी एच ई आर ई और टी एच ई आई आर, यहाँ टी एच ई आर ई नहीं होगा बल्कि टी एच ई आई आर होगा, देयर। और अगर ये ऑब्जेक्टिव के पॉजेसिव में आए तो भी ये देयर ही रहेगा, और रिफ्लेक्सिव में themselves। ये आप ध्यान से देखना, सेल्फ हम एक आदमी के लिए कर लगाते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, और जब वो मल्टीपल पीपल हो जाते हैं इट गेट कन्वर्टेड इनटू सेल्व्स, नॉट सेल्फ बट सेल्व्स। सो आई दे यू हैज बीन डन, नाउ विल कम टू वी। वी का हो जाता है ऑब्जेक्ट अस, इसकी पॉजिटिव प्रोनाउन होती है आर, ओ यू आर। ये अगर लास्ट में आ जाए तो करो ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव की तो वो आर्स, और रिफ्लेक्सिव में आर सेल्फ। क्या सेल्फ होना चाहिए या सेल्व्स? ऑब्वियसली सेल्फ हम किसी एक पर्सन के लिए लगाते हैं और सेल्व्स मल्टीपल पीपल के लिए, तो आर सेल्व्स। तो ये था हमारा वी। वी के बाद मैं बताऊंगा ही का। नेक्स्ट हम बात करेंगे ही का। ही वह जब सब्जेक्ट में होता है तो ये ही होता है। वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय। अगर ऑब्जेक्ट में यू यूज हो तो हिम, द वर्क वॉज डन बाई ही नहीं, द वर्क वॉज डन बाई हिम, क्योंकि लास्ट में आ रहा है। पॉजिटिव प्रोनाउन की बात करें तो ये हिज हो जाता है, हिज बॉय इज अमेजिंग, उसका लड़का बहुत अच्छा है, हिज टॉय इज अमेजिंग, हिज फोन इज ब्रांडेड, ये सब। और अगर बात करूँ ऑब्जेक्ट में आने पे तो ये हिज ही रहता है, इट इज हिज फॉल्ट दैट द बस वॉज लेट। और लास्टली अगर वो खुद के बारे में बात करें रिफ्लेक्सिव हो जाए तो हिमसेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ, ही हैज बीटन हिमसेल्फ, ही टॉक्स टू हिमसेल्फ, ये हो गया, खुद से बातें करता है, खुद जब भी आए ना तो उसमें सेल्फ और यस या सेल्फ्स लगाते हैं। ही का जो फेमिनिन वर्जन होता है वो शी होता है, शी का हर होगा ऑब्वियस है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, वहाँ हिम और हिज हुआ बट यहाँ हर और हर ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो हर, द वर्क वॉज डन बाई हर, हर डॉल इज ब्यूटिफुल, ये हुआ इसका पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव लास्ट में आए तो भी ये हर ही रहता है, और अगर वो खुद के बारे में बात करे शी टॉक्स टू हर सेल्फ, ईजी है। शी के बाद हम जानेंगे इट के बारे में। इट हमेशा यूज होता है नॉन लिविंग बींग्स के लिए,
इट मींस भी यह वह दोनों हो सकता है, बेसिकली ये यह होता है। अगर इट लास्ट में आए तो इट ही रहता है, और अगर इसके पास कुछ है, जैसे टेबल के पास इसके क्या उसे बोलते हैं, पैर हैं, टेबल के पैर हैं, तो इट्स लास्ट में आने पे ये हो जाता है। और पॉजेसिव तो इट्स वर्क पावर इज मेकिंग मी रेडिकुलस, इट्स साउंड इज मेकिंग मी रेडिकुलस, तो अगर पॉजेसिव में आए तो इट्स होता है, और अगर पॉजेसिव के लास्ट में भी आए तो सेम ही इट्स ही होता है। और अगर बात करूँ रिफ्लेक्सिव की, खुद के बारे में बातें करें, तो ये इट्सेल्फ होगा, इट हैज़ ब्रोकन इट्सेल्फ, इसने खुद को तोड़ लिया, मैंने कुछ नहीं किया इसमें। तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए विजिट स्पोकन इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिए।